नमस्ते मित्रों श्री सत्यश्री लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामी प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कक्षा सात विषय हिंदी बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग के अंदर काल के बारे में सीखेंगे बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग के अंदर काल यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस तो आज हम काल के बारे में सीखेंगे तो बच्चों पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर अठारह उन्नीस और बीस नंबर का पेज पर ये व्याकरण दिया हुआ है तो बच्चों जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपके हाथ में पाठ्य पुस्तक होना जरूरी है तो अब हम देखते हैं काल यानी कि टेंस तो काल किसे कहते हैं तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है क्या व्याख्या है बच्चों कि क्रिया क्रिया यानी कि खेलना गाना चलना उठना बैठना ये सब क्या है ये सब क्रिया है तो काल जो क्रिया का ऐसा रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है समय यानी कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया पूर्ण हो गई है या अपूर्ण है उनके बारे में हमें काल बोध कराता है तो काल के तीन प्रकार यानी कि तीन भेद होते हैं नंबर एक वर्तमान काल दो भूतकाल और तीन भविष्य काल तो वर्तमान काल वर्तमान काल जो अभी चल रहा है जो अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं वर्तमान काल उनके बाद है भूतकाल तो जो बीत चुका है जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं तीसरा है भविष्यकाल तो जो आने वाला समय है जो आने वाला समय है उसे हम भविष्यकाल बोलते हैं तो बच्चों अब हम काल का प्रथम प्रकार प्रथम भेद वर्तमान काल के बारे में समझते हैं जो पेज नंबर अठारह पर भाषा सज्जता जिसमें आज हम प्रथम देखेंगे वर्तमान काल के बारे में तो वर्तमान काल की व्याख्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं क्या व्याख्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है यानी कि क्रिया चल रही है समय यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध हो क्रिया वर्तमान समय में होने का जो हमें बोध कराता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हुए हैं कि प्रथम उदाहरण है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं यहाँ पर चलने की क्रिया बताई गई है दूसरा है आज स्कूल में छुट्टी है तीसरा है रमेश बाग में खेलता है यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए चलते हैं छुट्टी है खेलता है ये शब्दों क्रिया हो रही है ऐसा बोध हमें कराते हैं। इसलिए ये वर्तमान काल का शब्द है यहाँ पर बच्चों नीचे है कि निम्नलिखित वाक्य में से वर्तमान काल का जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए तो प्रथम वाक्य है मैंने उसे फूल दिया तो यहाँ पर है वर्तमान काल का शब्द है दिया तो उन शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है दूसरा है मैं बाजार जाता हूँ तो यहाँ पर शब्द है जाता हूँ जो जाने की क्रिया हो रही है इसलिए जाता हूँ शब्दों के नीचे रेखांकित करना है तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं यहाँ पर खेलने की क्रिया हो रही है इसलिए शब्द है खेल रहे है उन शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है चौथा है चूहे उछल कूद कर रहे थे बच्चों इस वाक्य है चूहे उछल कूद कर रहे थे यानी कि यहाँ पर भूतकाल की बात की गई है बराबर ये वाक्य भूतकाल का है इसलिए हमें यहाँ पर रेखांकित करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूचना है कि निम्नलिखित वाक्य में से वर्तमान काल का जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित की, कीजिए और चौथे वाक्य वर्तमान काल का शब्दों नहीं है बराबर उनके बाद नंबर पाँच है वह विद्यालय जा रहा है यहाँ पर शब्द है वर्तमान काल का जा रहा है छठा वाक्य है हम प्रयाग जाएंगे क्या वाक्य है हम प्रयाग जाएंगे यानि कि ये शब्द ये वाक्य भविष्य काल का वाक्य है तो इसी प्रकार बच्चों वर्तमान काल किसे कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं काल का दूसरा भेद है भूतकाल तो बच्चों भूतकाल की क्या व्याख्या है तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है क्रिया हो गई है यानी कि क्रिया पूर्ण हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है बराबर तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है प्रथम वाक्य है मीना कल मुंबई गई दूसरा है हेमंत ने पत्र लिखा तीसरा है माँ ने दिया जलाया चौथा है गीता ने पानी पिया उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्दों गई लिखा जलाया पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं इसलिए वर्त भविष्य भूतकाल के शब्दों है क्योंकि जो रेखांकित किए गए जो शब्द है वो क्रिया पूर्ण होने का बोध हमें कराता है इसलिए वो भूतकाल का शब्दों है तो बच्चों हम भूतकाल किसे कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो यानी कि क्रिया पूर्ण हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं जैसे कि यहाँ पर वाक्य नीचे और हमें दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए पहला वाक्य है मैंने उसे फल दिए क्या वाक्य है पहले कि मैंने उसे फल दिए तो यहाँ पर भूतकाल का शब्द है दिए तो दिए शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है दूसरा है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो यहाँ पर भूतकाल का शब्द है पढ़ रहे थे उन शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है तीसरा वाक्य है गांधीनगर गुजरात में है गांधीनगर गुजरात में है ये वाक्य बच्चों वर्तमान काल का वाक्य है इसलिए हमें रेखांकित नहीं करना है चौथा है ये चित्रों आपको कल दूंगा ये चित्र आपको कल दूंगा कल दूंगा यानी कि यहाँ पर भविष्य काल की बात की गई है इसलिए यहाँ पर भी हमें रेखांकित नहीं करना है पांचवा है यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है क्या वाक्य है बच्चों यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है तो ये पांचवा वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है इसलिए यहाँ पर भी हमें रेखांकित करना नहीं है छोट छठा वाक्य है हम पहले सूरत में रहते थे हम पहले सूरत में रहते थे यहाँ पर भूतकाल का सभ्य शब्द है रहते थे तो रहते थे शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है सातवा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये वाक्य बच्चों वर्तमान काल का वाक्य है इसलिए यहाँ पर भी हमें रेखांकित करना नहीं है सिर्फ और सिर्फ भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों के नीचे ही हमें रेखांकित करना है काल का तीसरा भेद है भविष्य काल तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं तो भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला समय है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं तो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो यहाँ पर प्रथम उदाहरण है अब्दुल कल आएगा दूसरा है लड़के शाम को खेलेंगे तीसरा है मीना गुड़िया खरीदेगी चौथा है डाकिया डाक लाएगा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्दों आएगा खेलेंगे खरीदेंगी जाएगा वो क्रिया होने वाली है बराबर समय आने वाला है खेलने का कुछ लाने का जो है वो समय आने वाला है तो क्रिया होने वाली है ऐसा बोध हमें कराता है इसलिए वो शब्द भविष्यकाल का है तो भविष्यकाल किसे कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं यहाँ पर प्रश्नों एक है जिसमें है निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल का, काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए पहला वाक्य है माली बाग में से फूल चुनेगा माली बाग में से फूल चुनेगा तो भविष्य काल का शब्द है चुनेगा तो यहाँ पर चुनेगा शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है दूसरा है हम हिंदी सीखते हैं ये वाक्य बच्चों वर्तमान काल का वाक्य है इसलिए यहाँ पर हमें रेखांकित नहीं करना है तीसरा है पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी भविष्य काल आने वाला जो समय है तो प्रिंकल कल कहानी की किताब लाएगी तो यहाँ पर भविष्य काल का शब्द है लाएगी उनके नीचे हमें रेखांकित करना है चौथा वाक्य है मैं शिक्षक बनूँगा यहाँ पर शब्द है भविष्य काल का बनूँगा उनका नीचे उनके नीचे हमें रेखांकित करना है पांचवा वाक्य है कोमल छठी कक्षा की छात्र थी कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी ये वाक्य बच्चों भूतकाल का वाक्य है क्योंकि कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी इसलिए यहाँ पर हमें रेखांकित नहीं करना है छठा है अनिल कल पतंग उड़ाएगा तो यहाँ पर भविष्यकाल का शब्द है उड़ाएगा तो उड़ाईगा शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है सातमा में बस में जा रहा था जा रहा था इसलिए ये वाक्य बच्चों भूतकाल का वाक्य है इसलिए यहाँ पर भी हमें रेखांकित करना नहीं है बच्चों आज हमने क्या सीखा तो काल के बारे में तो काल की व्याख्या क्या है उनके बाद काल के तीन प्रकार पहला प्रकार है वर्तमान काल उनकी व्याख्या दूसरा है भूतकाल और उनकी व्याख्या तीसरा है भविष्यकाल और उनकी व्याख्या तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या लिखना है काल की व्याख्या उनके तीन प्रकार वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल की व्याख्या और उनके उदाहरण भूतकाल की व्याख्या और उनके उदाहरण भविष्य काल की व्याख्या और उदाहरण भी आपको मैंने यहाँ पर जो लिखा है वह सब आपको नोटबुक के अंदर लिखना है उनके बाद बच्चों पेज नंबर 19 पे प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित वाक्य से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए पहला वाक्य है रोशनी ने कहानी सुनाई तो बच्चों रोशनी ने कहानी सुनाई जो वाक्य है वो किस काल का हमें बोध कराता है तो वो वाक्य है भूतकाल का क्योंकि रोशनी ने कहानी सुनाई भूतकाल में कहानी हमें रोशनी ने सुनाई थी इसलिए यहाँ पर आइएगा भूतकाल उनके बाद दूसरा है हम परसों घूमने जाएंगे हम परसों घूमने जाएंगे तो आने वाला समय की बात कर रहा है इसलिए ये वाक्य होगा भविष्यकाल का तीसरा वाक्य है पिताजी के जूते खो गए पिताजी के जूते खो गए यानी कि यहाँ पर भूतकाल की बात की गई है इसलिए यहाँ पर आएगा भूतकाल तो उनके बाद बच्चों जो बाकी वाक्यों है उन वाक्यों को पढ़कर आपको जिस काल का वाक्य किस काल का है उनके बारे में आपको पता लगाना है और यहाँ पर आपको लिखना है पाठ्यपुस्तक में भी लिखना है बच्चों और नोटबुक के अंदर भी प्रश्नों दो का उत्तर और उनका जो वाक्य है वो लिखना है उनके बाद है प्रश्नों तीन निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए यहाँ पर उदाहरण है बच्चों जिसमें शब्द दिया हुआ है खेलना तो खेलना शब्दों का प्रयोग करके हमें वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल तीनों काल में वाक्य बनाना है तो यहाँ पर वर्तमान काल का वाक्य बना हुआ है मैं खेलता हूँ भूतकाल में बना हुआ है मैं खेलता था और भविष्य काल में बना हुआ है मैं खेलूँगा तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर नीचे हमने हमें छः शब्दों दिए हुए हैं, पहला है पढ़ना तो उन शब्दों का हम वाक्य बनाएंगे भूतकाल में तो वर्तमान काल में पहला वाक्य हम बनाएंगे तो वाक्य बनेगा मैं पढ़ता हूँ भूतकाल में बनाएंगे तो मैं पढ़ता था भविष्य काल में बनाएंगे तो मैं तो पढ़ूँगा इस प्रकार बच्चों जो बाकी शब्दों है उन शब्दों का प्रयोग करके आपको वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल तीनों कालों में वाक्य बनाकर नोटबुक के अंदर लिखना है तो बच्चों होमवर्क में आपको क्या लिखना है तो काल की व्याख्या उनके तीन प्रकार वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल बराबर ओ और वर्तमान काल की व्याख्या उनके उदाहरण भूतकाल की व्याख्या उनके उदाहरण भविष्य काल की व्याख्या उनके उदाहरण और पेज नंबर उन्नीस और बीस पर जो प्रश्नों दो और तीन है वो आपको नोटबुक की अंदर लिखना है धन्यवाद